अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको कीवर्ड एवरीवेयर का अल्टरनेट नहीं मिल रहा और अगर आप फ्री कीवर्ड टूल्स को फाइंड करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं और अगर आप कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, आप कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आते हैं और सबसे पहले गूगल सर्च को खोलते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। जैसे ही दोस्तों हमने टाइप किया तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स और गूगल कीवर्ड प्लानर। हमने दूसरे नंबर पर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक और विंडो ओपन होगा, इसमें साइन इन पर क्लिक कर देना है और दूसरा या फिर गो टू कीवर्ड प्लानर पर क्लिक कर दें आप, जैसे आपको बेटर लगता है। मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब इसमें आपने दो ऑप्शन है, न्यू गूगल ऐड अकाउंट और स्विच गूगल ऐड अकाउंट। हम करेंगे न्यू गूगल ऐड अकाउंट। जी तो दोस्तों आप ये देखें, ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो रही है गूगल एड्स की। काफ़ी दोस्त प्रॉब्लम उनको फेस होती है कि वो इधर गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट्स और साइन अप और गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशन पर क्लिक कर देते हैं और गूगल एडवर्ड की सेटिंग पे चले जाते हैं। आपने इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना, आपने नीचे सबसे नीचे आ जाना है। आर यू ए प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपोर्ट मोड, इस पर आपने बस क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम एक नई विंडो में दाखिल होने जा रहे हैं। अब ये देखें, इसमें सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, एड प्रमोशन, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ कोड्स गाइडेंस, इनमें से आपने किसी को भी नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पर क्लिक कर देना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक और न्यू विंडो में हम दाखिल हो जाएंगे। इसमें जो है बिलिंग की इंफॉर्मेशन है और आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, आपने वो कंफर्म कर देनी है। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान कर दें अगर आप पाकिस्तान से हैं, टाइम जोन पाकिस्तान का कर दें और करेंसी भी कर दें पाकिस्तान, और फिर आप इस पर क्लिक कर दें सबमिट पर और फिर ये एक्सप्लोर योर अकाउंट पर क्लिक कर दें। लें जी, आपका अकाउंट बन गया। अब आपने टूल्स एंड सेटिंग पर क्लिक करना और ये कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करना। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये अकाउंट को क्रिएट करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो ऑप्शन खुल जाएगी इसकी कीवर्ड सर्चिंग की। ये देखें, ट्राई इट नाउ। जी तो दोस्तों हम अपने अब दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था कि हम आज डिस्कस करने जा रहे थे कि कौन से वो पांच फ्री टूल्स हैं तो जिनको आप इस्तेमाल करके आप इजीली कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम अपनी गूगल सर्च की स्क्रीन की तरफ आते हैं और उसमें क्रोम वेब स्टोर टाइप करते हैं। पहला जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ WMS एवरीवेयर। ये कीवर्ड एवरीवेयर का आल्टरनेट है। जैसे हम क्रोम वेब स्टोर टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे क्रोम वेब स्टोर गूगल क्रोम के ऊपर, जी तो दोस्तों ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सर्च में हम WMS एवरीवेयर लिखें। ये देखें दोस्तों, पहले नंबर पर हमारे पास WMS एवरीवेयर ये ऑप्शन आ जाएगी। इसमें हम ऐड टू क्रोम कर देंगे इसको और ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। इंस्टॉल हो रही है। ये देखें दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गई है। अब हम साइन इन इसमें करके अपना अकाउंट बनाते हैं। आई थिंक पहले होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। जी जी मेरा है।
ये देखिए नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। गूगल पर जाएं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ लेदर शूज़, अब ये देखिएगा ना दोस्तों, ये साइट पर वॉल्यूम बताएगा, सीपीसी बताएगा और उससे रिलेटेड सर्चिज बताएगा। ये देखें, यानी कि बहुत उसका कीवर्ड एवरीवेयर का अल्टरनेट अल्टरनेट कह सकते हैं आप इसको। अब ये वॉल्यूम है, ये देखें इधर भी बता रहा है 12,100 है इसकी वॉल्यूम और सी पी सी 1.110 है जी। तो दोस्तों ये अब हम मैं अपने दूसरे एक्सटेंशन की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरी हमारी दोस्तों जो एक्सटेंशन है उसका नाम है कीवर्ड सर्फर। ये नहीं आई है लेकिन मेरे ख्याल से WMS से भी बहुत अच्छी है। ये टू क्रोम करें, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एड एक्सटेंशन कर दें, ये देखो ये इंस्टॉल हो गई है और इस पर हम क्लिक करते हैं। ये WMS से आई थिंक ये बहुत बेटर है। ये देखें 12,100 सेम सर्च इंजन है, 1.34 जो ऐसी कॉस्ट पर क्लिक है और ये सिमिलैरिटी भी बताता है कि आपके कीवर्ड से कितनी सिमिलैरिटी है और वॉल्यूम भी बताएगा आपको। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं जिन कीवर्ड को, उस स्टार पर क्लिक कर दें, ये क्लिक बोर्ड में कॉपी होते जाएंगे। ये देखें और क्लिक करके देखें, ये सारे आपके कॉपी हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको अगर आप एक्सपोर्ट CSV भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। ये दोस्तों ये दो हो गई जो एक्सटेंशन। अब हम तीसरी अपनी जो एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हैं। तीसरी हमारी दोस्तों एक्सटेंशन है SEO Stack Keyword Tool। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, आप क्रोम में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैं वही लिखता हूँ अपना कीवर्ड लेदर शूज। गूगल में कर सकते हैं, यूट्यूब में कर सकते हैं, बिंग में कर सकते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ और यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं, यानी कि अपने मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। स्टार्ट करें, ये देखें फ्री है ये दोस्तों, पेड नहीं है, जिसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखिए रैंकिंग भी बता रहा है कि कितने ये कीवर्ड कितने नंबर पर है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यूट्यूब को करना चाहते हैं, यूट्यूब को करना, एक्सपोर्ट CSV कर सकते हैं आप इसको, प्लेन है टेक्स्ट व्यू कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ इधर जी। तो दोस्तों आपने देखा कि तीन एक्सटेंशंस मैंने आपको बताई। अब हम चौथी वेबसाइट की तरफ, कीवर्ड सर्च की तरफ मूव करते हैं, नील पटेल। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो मैं अपना टाइप करता हूँ कीवर्ड लेदर शूज, इसमें पेयर डिफ़िकल्टी SEO डिफ़िकल्टी भी आपको बताई जाती है। SEO डिफ़िकल्टी कितनी होनी चाहिए सब मैं आपको बताता हूँ। ये आपको साइन इन करके आए थे, साइन इन हो जाए हम उसकी इसके ये डिस्कस कर लेते हैं। मेन्यू ये ओवरव्यू है, आपको देगा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के आइडियाज़ के बारे में देगा, कंटेंट आइडियाज़ के बारे में देगा, ट्रैफिक एंड एनालिसिस के बारे में आपको बताएगा। और अगर आप साइट का एडिट करना चाहते हैं, बैकलिंक चेक करना चाहते हैं, तो उधर तक भी आपको इंफॉर्मेशन देगा।
जी फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना ऐड करता हूँ, कीवर्ड आइडियाज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी अब देखिए क्या बताएगा। ये देखें दोस्तों हमारे सामने खुल गई, ये वॉल्यूम बता रहा है, सीपीसी बता रहा है, पीडी बता रहा है, एसडी बता रहा है। अब ये दोस्तों पीडी एसडी क्या है, हमारा जो कंसर्न है सिर्फ एसडी के साथ है और वॉल्यूम के साथ है, बाकी ये जो पीडी और सीपीसी है ये रिलेटेड है जी भाई जिन्होंने पैसे लगाने हैं थोड़े। एसडी से बता रहा है एसयूडी डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 40 से नीचे जितनी भी एसयूडी डिफिकल्टी हो उसको आप टारगेट करने। और ये गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, ये नील पटेल ने खुद, मैंने सुन रहा था उसका, तो उसने खुद बताया था कि जो 40 से नीचे हैं उनको आप टारगेट करें। अब ये देखें 38 है इसको टारगेट करने, लेदर शूज फॉर वूमेन है। अब ये 43 या 44 ये डिफिकल्ट है थोड़ा, ये 36 है, ये इसके 1900 सचिज एंड लेदर शूज फॉर वर्क, ये भी आइडियल कीवर्ड है। इनके 40 से जो नीचे हैं उनको आपने टारगेट करना। तो दोस्तों ये आपके हो गए चार कीवर्ड्स टूल तो हो गए। अब मैं आपको पांचवे की तरफ लेके जाता हूँ दोस्तों, पांचवा हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। दोस्तों ये 58% एक्सपर्ट्स ने इसको रेकमेंड किया, ठीक है ना, ये फ्री भी है आपको, इजीली है आपको, एक्सेसिबल भी है दोस्तों। इसमें आपने जो ऑर्गेनिक सर्च कर करते हैं तो सिर्फ आपको दो चाहिए जो है कॉलम, एक तो चाहिए आपको सर्च वॉल्यूम का चाहिए और दूसरा सिर्फ आपको चाहिए उसका जो है कंपटीशन का। इसके अलावा आपको किसी और को छीनने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे एडवर्ड्स के रिलेटेड हैं। बाकी आप मेरी जो इसके ऊपर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक शो हो रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दें, जो मैंने डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बनाई है कीवर्ड प्लानर के ऊपर, वो देखिए, वो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी, उसमें ट्रिक्स मैंने बताए थे। ये देखना आप, ये एवरेज मंथली और कंपटीशन, ये दो चीज़ों को सिर्फ आपने टारगेट करना है, इसके अलावा आपने किसी को नहीं छेड़ना जी। तो दोस्तों अब मैं आपको जी, तो दोस्तों आपको हमारी काविश कैसी लगी तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।